यस माई फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आई एन जी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का हमने पढ़ा, परंतु कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आई एन जी के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकता उन वर्ड्स का। यूँ बोलने में तो लोग बहुत बोलते हैं, सारे ही बोलते हैं कि इन वर्ब के साथ आई एन जी लगाते रहते हैं, पर वो करेक्ट नहीं है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आता है तो इस वर्ब्स के साथ आप ध्यान रखना कि इन जितने भी वर्ब्स हैं इन वर्ब के साथ आई एन जी नहीं आता। इस वर्ब के साथ आई एन जी कैसे आएगा, ये है सी। तो आप इसको आई एम सीइंग ए बुक ऑफ रेड कलर, ऐसे नहीं कर सकते। आई एम सीइंग है यानी कि मैं लाल कलर की एक किताब को देख रहा हूं, यानी एक पुस्तक को देख रहा हूं। आप ऐसे नहीं बोल सकते, इस सीइंग को ऐसे नहीं बोल सकते। बट इसको इन जितनी भी सारी ये वर्ब्स हैं इनके साथ आप ऐसे लगा सकते हैं, आई ही सी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस वी फर्स्ट, यानी कि आई एम गोइंग टू सी ए बुक ऑफ रेड कलर, आई एम गोइंग टू हियर हिज वॉइस, देन आई एम गोइंग टू नोटिस द वर्ड्स ऑफ द लेक्चर ही स्पोकन इन द क्लास, देन आई एम गोइंग टू स्मेल, देन आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज, देन आई एम गोइंग टू टेस्ट, गोइंग टू अपीयर। यू कैन स्पीक लाइक दिस। तो आपको समझना है कि इनके साथ में डायरेक्ट आई एन जी नहीं लग करके गोइंग टू के बाद में इस सब आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। आप ऐसे नहीं कहोगे आई एम एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल, आप ऐसे कहोगे कि आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, देन योर सेंटेंस विल बी करेक्ट, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, एब्सोल्यूटली रॉन्ग। ओके, नाउ यू नोट दिस थिंग एंड द नेक्स्ट विल बी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी विल नॉट गो हाउ द थिंग वर्ब्स आर यूज मच एंड दिस एंड डीप, विल नॉट गो, वी विल वॉच सम शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड द ओल्ड टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जो रोज़ाना के होने वाले कार्य हैं, रोज़ाना के एक ही समय में होने वाले कार्य, रिपीट होने वाले कार्य हैं, उनको हम सब्जेक्ट वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लगा देते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एन जी के साथ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लगा देते हैं। और ये जैसे आई एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, मैं उसका प्रपोजल प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, मैं उसका प्रपास स्वीकार कर रहा हूँ। एंड अभी जो आपके काम अभी हुए हैं थोड़ी देर, यानी इमीडिएटली जस्ट लिटिल वही लेगो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। आई हैव एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल और सी हैज एक्सेप्टेड हर प्रपोजल। ओके, नाउ वॉच, स्टॉप। All right, my friend, now we will speak about the present perfect tense and we will complete this tense within 15 minutes. हमें टेंस की लंबाई चौड़ाई में जाना नहीं है, जब एक बार बोलने के अभ्यस्त हो जाएंगे तो हम इस टेंस के गहराइयों में फिर बाद में जाएंगे। हमारा वीडियो आपको ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ द स्पीच में मिल जाएगा, सारा का सारा डिटेल में। तो हमें अभी केवल स्पोकन इंग्लिश पर ही ध्यान देना है कि हम जल्दी से जल्दी इंग्लिश कैसे बोलनी सीखें, या जो अगला कोई बोलता है तो उसकी इंग्लिश कैसे सीखें। ओके, राइट। नाउ कोई काम अभी हुआ है, जैसे मैंने खाना अभी खाया है, उसने लेटर अभी लिखा है, वो कॉलेज अभी गया है, वो कॉलेज पहुंचा ही है, गाड़ी अभी पहुंच चुकी है, मैंने लेटर लिख दिया है, मैं बाज़ार में अभी पहुंचा हूं, मैं काम कर चुका हूं, गया हूं, आया हूं, चुका हूं, इस तरह के जो वर्ड हमारे दिमाग में आते हैं, जो काम अभी समाप्त हुआ है रिसेंटली, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम
प्रयोग में लाते हैं, हम यूज में लाते हैं। तो इसके लिए अभी अभी बस स्टैंड आई है, द बस हैज रीच्ड द बस स्टॉप जस्ट नाउ, ऐसे बोलते हैं। तो अब सब्जेक्ट के बाद में आई वी यू दे यू यो, आई वी दे यू और एनी प्लूरल प्लूरल नंबर, यानी कि कोई भी एक से अधिक व्यक्ति, जैसे लोगों का कोई समूह हो, पांच लड़कों का समूह हो, पांच कोई अदर चीज़ें हो, पांच बिल्डिंग्स का समूह हो, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन कुछ भी हो, तो उनके साथ, इन सब के साथ सब्जेक्ट ये होंगे, फिर हैव होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद में जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपना कॉन्सेप्ट है तो ये होगा, और उसके बाद में जैसे सेंटेंस को आप कितना बढ़ाने चाहते हैं उसको अदर वर्ड्स कहते हैं। जैसे अब मैं आई को लेता हूं, तो मैं बाजार से अभी 1 किलो मूली लाया हूं, बस बाजार से मैं पहुंच चुका हूं घर पे, तो मूली लाता हूं, आई ब्रिंग रेडिस, मूली ला रहा हूं, तो आई एम ब्रिंगिंग रेडिस, तो मूली अभी भी लाया हूं, ला चुका हूं, तो उस सेंटेंस को मैं अभी अभी बाजार से 1 किलो मूली लाया हूं। आई हैव ब्रोट 1 किलोग्राम ऑफ रेडिस जस्ट नाउ, ओके। वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क रिसेंटली, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो होमवर्क करते रहते हैं, पर्टिकुलरली स्मॉल बिलो मैट्रिक अंडर मैट्रिक स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको होमवर्क का ज़्यादा हो रहता है। तो हम ऐसे कहते हैं, 5-6 छात्र एक जगह बैठे हुए हैं तो वो आपस में कहेंगे, वो हमने अभी अभी होमवर्क किया है, तो वी हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट आपकी वर्ब है तो कंप्लीट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, ऑब्जेक्ट है और जस्ट नाउ या रिसेंटली, ओके। दे हैव रिकॉग्नाइज देम एज ए सीनियर मैनेजर, उन्होंने उस व्यक्ति को सीनियर मैनेजर की पहचान दे दी है। देन यू हैव फाइंड ए वेरी गुड ओल्ड नॉवेल बुक फॉर मी, आपने मेरे लिए एक पुरानी नॉवल किताब खोजी है, अभी अभी आपको मिली है। देन एनी नंबर जो पांच, जैसे पांच आदमी खड़े हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं किसी के बारे में, नया नया कोई डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुआ है तो उसके बारे में पांच आदमी बातें कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे कहेंगे, फाइव पीपल बातें कर चुके हैं, यानी सॉरी बातें कर चुके हैं, तो हम अपने दोस्त को कहेंगे द फाइव मैन हैव टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रोड इन आवर सिटी, पांच हमारे सिटी में जो नई रोड का डेवलपमेंट हुआ है उनके बारे में पांच आदमी ने बातें की है, ओके। देन ही सी इट, ये जो ये हैव के सब्जेक्ट है, हैव के नाउन है और ये हैज के नाउन है, ही सी इट राम सीता माई फादर माई मदर एनी ब्रदर एनी सिस्टर और एनी सिंगुलर नंबर, तो ये कोई भी सिंगुलर नंबर का आता है तो उसके साथ में हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। जैसे मेरी बहन ने अभी अभी खाना पकाया है, माई सिस्टर हैज कुक्ड फूड जस्ट नाउ, तो माई सिस्टर नाउन हो गया, हैज इसकी वर्ब हो गई, मैन वर्ब थर्ड हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मैन वर्ब हो गई और इसका कुक्ड फूड ऑब्जेक्ट हो गया, और अदर वर्ड्स आप लगाना चाहते हैं जितना चाहे लगाएं, किसके साथ पकाया है, माई मदर के साथ, वो अदर वर्ड्स हो गए, माई सिस्टर है जस्ट नाउ कुक्ड फूड विद माई मदर, मेरी माँ ने अभी मेरी सिस्टर ने अभी माँ के साथ खाना बनाया है। देन नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हैज या हैव जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नोट लगाया जाता है, बाकी सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन किसी तरह का नहीं होता है।
जैसे उसने खाना नहीं बनाया, शी हैज नॉट कुक्ड फूड विद माई मदर, फिनिश। उसने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया, शी हैज नॉट कोऑपरेटेड विद मी। हैव के बाद में सीधा नेगेटिव आ गया, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हैव है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज डब्ल्यू एच पहले रखते थे और प्रेजेंट कंटिन्यूस इज आर एम पहले रखते हैं, तो इसमें हैज हैव पहले रखेंगे और सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज हैव हैज और हैव पहले होगा। जैसे क्या उसने खाना बना लिया है, हैज सी कुक्ड फूड, फूड से पहले दाल नहीं लगेगा लगेगा, क्योंकि जो आर्टिकल कहाँ लगते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ आर्टिकल लगते हैं और कहीं आर्टिकल नहीं लगते। हैज सी वीव्ड ए ब्लैंकेट, क्या उसने ब्लैंकेट वीव कर दिया है, यानी ब्लैंकेट बुन लिया है। हैव द कॉपलर प्रिपेयर्ड माई शूज, क्या मोती ने मेरे जूतों की मरम्मत कर दी है। हैज कॉबलर नॉट रिपेयर्ड माई शूज, क्या कॉबलर ने मेरे जूतों की मरम्मत नहीं की है। देन डब्ल्यू एच वर्ड्स पहले लगा दो, बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, फिर अपना हैज सब्जेक्ट लगा दीजिए, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब सॉरी, और फिर सब्जेक्ट पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगा दिए। जैसे वाई हैव यू पेंटेड माई बिल्डिंग वाइट कलर, आप मेरी बिल्डिंग वाइट कलर में पेंट क्यों की। आपने किसी को एक को कहा था कि ये क्रीम कलर में पेंट करनी है मेरी बिल्डिंग, मेरे बिल्डिंग को, मेरे मकान को, मेरे रूम को, तो उसने बाय मिस्टेक या किसी तरह उसके पास कलर की कमी बेसी होगी तो उसने वाइट कलर का कर दिया, उसने सोचा कि वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। तो आप उसे पूछोगे वाई हैव यू पेंटेड माई रूम वाइट कलर, तब वो कहेगा बाई मिस्टेक आई हैव पेंटेड योर रूम वाइट कलर। इसके बीच में प्रीपोजिशन भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन वाई हैव यू नॉट गॉन टू जयपुर यस्टरडे, आप कल जयपुर क्यों नहीं गए हैं। तो किसी को जयपुर जाना था और नहीं गया और आपको टुमारो मॉर्निंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको मिला है, तो आप उसे सीधा पूछा वाई हैव यू नॉट गॉन टू जयपुर यस्टरडे, बाई बस, ये बाई बस वगैरह ये सब अदर वर्ड है अदर। देन डब्ल्यू एच कोई वैन वेयर वाई हु वट, ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड हैं वो पहले लगेंगे। देन विद हुम हैव यू गॉन टू जयपुर यस्टरडे, किसके साथ आप कल जयपुर गए थे भाई, यस्टरडे की बात है ये, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, और जहाँ पर यस्टरडे का सवाल है उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी आती है, बाकी यस्टरडे के लिए हम ये लगा सकते हैं। वाई हैव यू परचेज्ड द शूज पेयर ऑफ शूज ऑफ वाइट कलर फॉर मी, आपने सफ़ेद कलर के जूते मेरे लिए क्यों खरीदे हैं। वाई हैव यू परचेज्ड ए पेयर ऑफ शूज ऑफ वाइट कलर फॉर मी। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ बातें कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो ये एक सिंगुलर फॉर्म है, तो द गवर्नमेंट वाई हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट प्रोवाइडेड हेल्प फॉर द स्टूडेंट्स फॉर देयर फर्दर स्टडी, आगे की पढ़ाई के लिए छात्रों की आगे की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सहायता क्यों नहीं की है। तो एक फ्रेंड बोलता है यस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड हेल्प फॉर द स्टूडेंट्स स्टडी, वो कहता है, बट एक कहता है नो, इट इज़ ऑल रॉन्ग, इट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी हेल्प फॉर अस। देन वी कम हियर, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैज़ नॉट परचेज्ड द मेडिसिन दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मेडिसिन स्टोर्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो नहीं मिलती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट ऑफ MP और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली क्यों वो दवाइयाँ नहीं बेचती है या नहीं भेजी है। परचेज ऑर्डर तो उनको कभी का दे दिया, रिक्विजिशन
कवि का भेज दिया, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट परचेज द नेसेसरी मेडिसिन फॉर द मेडिकल स्टोर्स ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. लाइक दिस वी कैन स्पीक एंड वी क्लीन प्रैक्टिस ऑल दिस सेंटेंसेस. जो काम अभी अभी हुए हैं उसके लिए हम ये करेंगे. आपने खाना खाया है, हैव यू ईटन. आपने खाना नहीं खाया है, हैव यू नॉट ईटन. आपने खाना कब खाया, व्हेन हैव यू ईटन. आपने खाना कब नहीं खाया है, व्हेन हैव यू नॉट ईटन. आपने क्या खाया, व्हाट हैव यू ईटन. आपने क्या नहीं खाया, व्हाट हैव यू नॉट ईटन. आपने क्यों खाया, व्हाई हैव यू ईटन. आप जयपुर क्यों गए हैं, तो व्हाई हैव यू गोन टू जयपुर. एंड वो शी, व्हाई हैज शी नॉट गोन टू जयपुर. व्हाई हैज शी नॉट परचेज द बुक्स ऑफ इंग्लिश. व्हाई हैज माई मदर नॉट प्रिपेयर्ड गुड फूड फॉर मी. इस तरह के सेंटेंस इन सब के साथ तैयार किए जाते हैं. और मैं सोचता हूँ कि ये सब आपके लिए कोई कठिन नहीं हो गए, ये वेरी इजी हैं. थोड़े से आप इनकी अभ्यास करके जाएं, थोड़ा सा पेन कॉपी लेकर के भी कभी कभी, जैसे आपको टाइम मिलता है तो लिख करके अभ्यास कर लें. ऑल दीज आर वेरी इजी.